मैं हूं नासिर के शाह। तो अभी मैं आपको एक्सक्लूसिव आज रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये मोंडा गांव है और मोंडा गांव यहां सामने है और मोंडा गांव के साथ में मैं यहां पर ये नीरू नाला है। इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहां जो है ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट से पूरे भद्रवाह शहर को जो है पानी की सप्लाई होती है। दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो एरिया है यहाँ से पीछे 8 पंचायतें पड़ती है और यहाँ पर अगर आप पंचायतों में जाएंगे और जितना भी उनका जो है वॉशरूम की जितनी भी गंदगी है वो इस नाले में आती है और यही नाले का पानी जो है वो शहर की तरफ सप्लाई होता है। कोई फिल्टर प्लांट नहीं, कुछ नहीं। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। बच्चों के डायपर से लेकर जितनी भी गंदगी जितनी भी होती है वो यहाँ पर अवेलेबल है और इसी पॉइंट से पानी नीचे सप्लाई होता है। जल शक्ति विभाग एक तरफ से तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपको हाइजीनिक पानी पिलाते हैं, बड़ी स्कीमें जो है सरकार की तरफ से आती हैं कि लोगों को किस तरह से हम जो है साफ पानी पिलाते हैं, लेकिन ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है हकीकत, ये है वो जगह जहां से आप लोग जो है पानी जो आपके घरों में आता है वो इसी जगह से आता है। तो विजुअल आप देख चुके हैं यहाँ पर कितने किस प्रकार की गंदगी मौजूद है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी जो दिखाने के लायक नहीं थी, हमने उनको उठा के कहीं साइड पे फेंक दिया क्योंकि हमने चाहते कि हमारे व्यूवर्स ऐसी चीज़ें देखें जो देखने के काबिल न हो। हमारा मुद्दा मकसद ये है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट दावे करता है कि हम जो है हाइजीनिक पानी जो है अच्छा पानी भद्रवाह को सप्लाई करते हैं, दरअसल उसकी हकीकत ये है कि यहाँ से पानी जो है बिल्कुल गंदा हो के आपके घरों में आता है और जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, जिसमें बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है। अगर जो भद्रवाह के लोगों के साथ, अगर जो भद्रवाह के लोगों की सेहत के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी ये कोशिश है और हम ये चाहेंगे कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन इसका जायज़ा ले और भद्रवाह को साफ पानी पिलाया जाए। आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोग कितना जो वाटर टैक्सेस पर ईयर देते हैं, अभी तो 2700 के आसपास जो है रेट पहुंचा है। आप अगर 2700 रुपये देते हैं उसके बावजूद आपको अगर ये गंदा पानी पिलाया जाता है, ये कहीं ना कहीं जो है आपके साथ धोखा किया जा रहा है, पूरी नेशन के साथ धोखा किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग भद्रवाह की अगर बात करेंगे, दावे बड़े बड़े, स्कीमें बड़ी बड़ी गिनवाई जाती है, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन ग्राउंड पर कितना लगता है, ग्राउंड पर क्या होता है, ये आपके सामने है। तो ये थी आज की जो रिपोर्ट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मोंडा से जो पानी सप्लाई आता है शहर के लिए वो किस प्रकार का पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं और आपकी सेहत पर इस पानी का कितना असर हो सकता है। भद्रवाह से मैं नासिर के जी, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ से पूरे भद्रवाह को पानी दिया जाता है। ये है मोंडे का वो इलाका जहाँ से, ये है पीएचई की पाइपलाइन, ये देख लीजिए आप, और यहाँ से पूरे शहर में पानी जाता है। इस जो ये जगह है यहाँ से पूरे शहर को पानी पिलाया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, क्या जल शक्ति विभाग का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। ये देख लीजिए आप, ये है यहाँ पर नैपकिन जो बच्चे को लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पैम्पर, ये यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ से तमाम लोगों को हमें पानी पिलाया जाता है, लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, इसलिए क्योंकि स्वच्छता के नाम पर, जल शक्ति विभाग के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार है कि इनका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, भद्रवाह की आवाम हमेशा टट्टी, पेशाब और गंदगी, गलाजत से भरा पानी यहाँ पीती है। ये देख लीजिए आप, आन सपाट हैं इस वक्त यहाँ पर, मौके पर हैं। काफ़ी बार हमने पीएचई डिपार्टमेंट को कहा कि देखो भाई, तुम्हें सरकार प्यासा दे रही है लेकिन हमें ताज़ा पानी पिलाओ, ताज़ा पानी पिलाओ, लेकिन हमें ताज़ा पानी कभी नहीं पिलाया गया। यहीं से गंदगी भरा पानी हमें पिलाया जाता है, ना फिल्टर ना साफ, मतलब गंदगी से भरा पानी, और किराया लेते हैं हमसे वो पूरा 2700 रुपये लेते हैं किराया वो तमाम लोगों से कि हम जी आपको फिल्टर पानी पिलाते हैं, लेकिन हमें फिल्टर पानी नहीं पिलाया जाता है। ये है आन सपाट की ये जो जगह है, आप खुद ने खुद देखा है, हमें किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ किसी से हमें कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन जर्नली जो पब्लिक का जो हक है, सरकार जब इनको पैसा देती है कि ताज़ा पानी पिलाओ लोगों को, लेकिन हमें गंदा पानी पिलाया जाता है। ये है टर्निंग पॉइंट जो भद्रवाह को सप्लाई होती है, यहाँ से मेन पाइप लगी हुई है। तो हम जो इसके पीएचई के जो बड़े बड़े अफसर साहिबान, हमारी उनसे अपील है और रिक्वेस्ट है
और जो हमारी स्टेट सरकार है हम उनको बता देना चाहते हैं वो इंसाफ करे हम लोगों का। भद्रवाह की आवाम बीमार है, आजकल बीमारियां पहले ही उरूज पर हैं, लेकिन कम से कम हमें अच्छा पानी पिलाया जाए, फिल्टर पानी पिलाया जाए, ना कि ये गंदा पानी। तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, मेन मकसद यही है हमारा कि हमें लोगों को यहाँ गंदा पानी पिलाया जाता है और सरकार ने करोड़ों रुपये दिया है। और आप देख लीजिए, अभी हम आपको ऊपर भी दिखाएंगे, पाइपें ढली हुई हैं, पैसा गड़म, लेकिन पानी यही गंदा का गंदा। और जो भी शख्स इसमें जिसने भी जो धांधली की है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमें गंदा पानी पिलाया जाता है और हम हर किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल शक्ति विभाग के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर पब्लिक के साथ मजाक है। पूरी जनता यहाँ पर गरीब है, हमारी आवाम गरीब है, बेचारों को पता नहीं चलता है पानी क्या पिलाया जा रहा है। और ये अटकार पड़ता है, यहाँ सरतंगल पड़ता है, थनाला पड़ता है, भेजा पड़ता है, मतलब 10 गाँव पर पड़ते हैं। वो टट्टी पेशाब जितना भी है वो इस नाले में होकर हम शहर वालों को पिलाया जाता है ताकि तुम लोग स्वच्छ रहो। क्या यही स्वच्छता का नारा है? यहाँ से पानी इन पाइपों के जरिए यहाँ पानी लेकिन ये पाइपें स्कैंडल ही स्कैंडल है इनके। मेरी उम्र आज है 45 साल, लेकिन 30 साल से मैं देख रहा हूँ पानी हमें यही से पिलाया जा रहा है। लेकिन ये देखिए सरकारी पैसे का जो लूटमार है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की उन्होंने गदर मचाया हुआ, और ऐसी ऐसी काफ़ी स्कीमें हैं जो इन लोगों ने ढकार ली है। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी जो जिला इंतजामिया किसी ने कभी किसी को नहीं पूछा। ये देख लीजिए आपकी नज़र के सामने, ये है हालत हमारी यहाँ पर।